dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. this is module number 134, and we are going to talk about that how can we ask specifically how you can improve. so obviously, when you have to improve, you have to see ke wo kahaan kahaan par kya -kya deficiencies, hai karna hai, aur kahaan kahaan par hum positive, the mazid hame improve karna hoga to create and develop our emotional intelligence. इस मकसद के लिए याद रखिएगा दैट व्हेन वी हैव टू इम्प्रूव एक्चुअली वी हैव टू टॉक अबाउट टू थिंग्स द फर्स्ट वन इज फीडबैक फीडबैक से मुराद होती है कि किसी काम के इख्तिताम पर यू गेट द फीडबैक यू कम टू नो कि कहां पर आपने क्या गलती की क्या सही किया और उसको रेक्टिफाई क्लेरिफाई और डेवलप बेहतर कैसे करना है सो दैट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीडबैक जो कि काम के अख्ताम पर होगा के पर भी जान सकते हैं कि वो, क्या -क्या है, वो क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आने वाले वक्त के लिए आने वाले अमल के लिए हमें मद्देनजर रखने चाहिए तो so, वो तमाम प्रिकॉशनरी मयर्स एक्चुअली हो सकता है कि हमारे पिछले किसी अमल का फीडबैक भी हो कि पिछले किसी अमल के अख्ताराम पर जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंची थी उसको हम फीड फॉरवर्ड के तौर पर यूज करें फॉर अवर नेक्स्ट एक्चुअली कोर्स ऑफ एक्शन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां पर हमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड इसको अपने अमाल के लिए अपने किरदार के लिए अपने गुफ्तार के लिए यूज वो करना होगा एंड वी हैव टू यूज दीज टू थिंग्स टू इंप्रूव अवर इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल बिकॉज इसी से हमारी सेल्फ अवेयरनेस इसी से हमारा सेल्फ कंट्रोल वो भी बेहतर होने के चांस मौजूद हैं अब याद रखिएगा कि जब आप इंप्रूव करने की अपने आप की बात करते हो तो आपको कुछ चीजें जहन में रखनी हैं कुछ सर्टन हैव टू फॉलो उसमें सबसे पहला स्टेप यह है कि हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपना गोल बहुत क्लियरली बड़ा कंसाइजली रादर आई वुड से कि हमें स्मार्ट एस्पेक्ट्स में अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन वो करना होगा अपनी कुरेक्शन कर सकें मयरेबल वेज में अपनी कुरेक्शन वो कर सकें इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब आप अपने गोल्स को दूसरों के साथ डिस्कस कर लोगे तो अब आपको क्या करना है आपको दूसरों से सजेशन पूछनी है उनकी एडवाइज लेनी है कि हाउ यू कैन इंप्रूव और आप उन्हें इनकरेज करो सो देट दे कैन टॉक आप एक उनके साथ रेपड बिल्डअप करो जिस रेपड के बिल्डअप करने से दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद यू इन अ मोर कैंडिड फैशन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो तो लिसन टू दैम वेरी केयरफुली बहुत तवज्जो से उनकी बात को सुने उनके अल्फाज के चुनाव को समझें और यह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपस की इंटरेक्शन के दौरान वो आपको क्या बताने की कोशिश वो कर रहे हैं सो वी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली वट एवर दे आर से

कि वो हमें बाद में भी इस बात का इंकार दे सकें कि हमारी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा गलती हमारी पॉजिटिविटीज वो क्या थी और उनको किस तरह हम बेहतर वो कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली उस मकसद के लिए दूसरे लोगों को भी हम शमूलियत दे सकते हैं अपनी उस डिस्कशन में अपने उस फीडबैक में बिकॉज आउटसाइडर्स जितना हमारे बारे में बेहतर समझते हैं वो शायद हम अपने बारे में बाजात नहीं अंडरस्टैंड वो कर सकते डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि वी हैव टू बी केयरफुल इन अवर कंडक्ट एंड इन अवर एसोसिएशन विद अदर पीपल लोग हमारे बारे में